subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट के माध्यम से 26वें रोजा इफ्तार का भव्य नियोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम बांधव ने एकत्रित होकर इफ्तार करके रोजा खोला, इसके बाद नमाज अदा की। इस अवसर पर अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी अहमद फिरफिरे, आफाक खान, खुर्शीद खान, तजुम्मल खान रमज़ान के पवित्र महीने की विशेषता बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। हर साल यहाँ पर मस्जिद नमरा में हम लोग आखिरी का जो 30 डेज में से जो 10 डेज होता है उसको आखिरी अशरा बोलते हैं, और आखिरी अशरा जो है हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली 10 डेज रहते हैं हम लोग। इसमें बहुत बड़ा सवाब रखा है अल्लाह ताला ने। इसमें एक रात होती है जिसको शब कदर बोलते हैं, उसको ढूंढना होता है। ये 10 डेज में से कोई भी एक दिन आ सकती है, ज़्यादा करके एक ताक रात बोलते हैं, अल्टरनेट डे आता है। तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ का। 30-35 पीपल्स 10 डेज कंटिन्यूसली रहते हैं। उनका मॉर्निंग में हम लोग जिसको सहरी बोलते हैं, सहरी करना, वो 5 बजे तक टाइम होता है। फिर उसके बाद 7 बजे अफ्तार बोलते हैं, रोज़ा खोलने का टाइम। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ का अरेंजमेंट इतना अच्छा होने की वजह से मैं भी गवंडी से इधर आता हूँ। अपना नाम इधर? मेरा नाम तजम्मल खान है, गोंडे से आते हैं। और जैसा कि अभी आपने रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में, रोज़ा जैसे 12 महीने हैं हमारे, साल के 12 महीने होते हैं, तो इस पहले तो आप इसे जोड़ें कि मतलब हफ्ता कैसे होता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ हफ्ते का एक सरदार बनाया जुमे को, इसी तरह महीनों का एक सरदार बनाया रमज़ान को। रमज़ान सारे साल का एक सरदार है, इसमें अल्लाह की रहमत जो है बरसती रहती है। हर चीज़ का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा देता है। अगर आप 1 रुपये किसी गरीब को देते हैं तो उसका सवाब आपको नाम में 70 टाइम्स लिखा जाएगा। जैसे सेल लगती ना, बाई वन गेट टू, तो इसमें एक रोज़ा रखो 1 रुपया दो, 70 का सवाब दे रहा है गॉड। और इसका ये जो बहुत अजर है और रोज़ा जो है हर कौम पे है, ऐसा नहीं खाली मुसलमान पे है, आपके यहाँ भी है, गैर मुस्लिम्स में भी है। आप व्रत रखते हो, क्रिश्चियंस भी रखते हैं, यहूदी भी रखते हैं, लेकिन हमारा जो है वो 30 डेज कंटिन्यू है। उसमें हम कुछ नहीं खाएंगे, ना खाएंगे भी नहीं और पियेंगे भी नहीं। तो इससे हमें एक एहसास होता है कि जो गरीब आदमी भूखा रहता है, जो सालों साल ढंग से खाना नहीं मिलता है, तो उसकी आप जबको आपको मालूम नहीं होगा कि भूख क्या होती है, तो आप उससे गरीब को उतना हेल्प नहीं करेंगे, आपको एहसास नहीं होगा। जब आपको एहसास होगा कि इस चीज़ की ये इम्पोर्टेंस है, भूख इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, तब आप उतनी उस तरह से आप गरीबों की हेल्प करेंगे। इसी का नाम रमज़ान। मुझे खुर्शीद कहते हैं, खुर्शीद सिद्दीक। रोज़ा रखना खाली भूखे रहने का मतलब नहीं है। रोज़ा रखने का मतलब यह है कि हमारा इबादत भी हो, कुरान शरीफ की तिलावत हो, आँखों से ऐसी चीज़ नहीं देखना है जो गुनाह हो, कानों से ऐसी चीज़ नहीं सुनना है जिससे गुनाह है, यानी हर चीज़ का हमारा रोज़ा है, कंप्लीट रोज़ा। और हम फिर रात में 20 रकात तरावी भी पढ़ते हैं। आज हमारा 26 रोज़ा कंप्लीट हो गया है। आज लैलतुल कद्र है। ये लैलतुल कद्र जो है वो बहुत बड़ी रात होती है, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। सर थोड़ा सा इफ्तार के बारे में बताइए। इफ्तार जो है ये रोज़े के बाद जब रोज़ा खोल दिया जाता है तो उसको इफ्तार कहते हैं। दिन भर भूखा रहता है इंसान, तो शाम के 6 बजे के बाद या मगरिब के बाद जो है जो उसका नाश्ता पानी, चाय पानी वगैरह पीना जो शुरू हो जाता है, क्योंकि रोज़े में दिन भर में न पानी पी सकते हैं न खा सकते हैं। तो ये इफ्तार जो है पानी पीने से शुरू हो जाती है और बाकी जो फिर खाना पीना चालू हो जाता है। दिन भर कुछ नहीं रहता। ये इसलिए रहता है कि एक गरीब इंसान जिसको खाना नहीं मिलता उस पर क्या गुजरती है, ये हर इंसान को समझ में आना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सबके लिए ये रोज़ा रखा हुआ है। इसमें ऐसा है कि कुछ लोग जो रोज़ा रखना चाहते हैं रखते हैं, कुछ लोग जो नहीं बर्दाश्त कर सकते नहीं रखते हैं, लेकिन ये कंपलसरी हर मुसलमान पर रोज़ा रखना कंपलसरी है। रमज़ान के 30 दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है, ये अल्लाह की तरफ से एक ऑर्डर है और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है उसका इनाम जो ईद मिलता है, ईद में मतलब खुशी होती है कि भाई 30 दिन हम लोग भूखा रहे, आज हमको एकदम
अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, मीठा मीठा खाना मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे उसके लिए ईद बोलते हैं उसको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद फिरफिरे है, मैं यहाँ का ट्रस्ट, ये हमारा ट्रस्ट जो है अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट न्यू बॉम्बे, ये पिछले 25 साल से कार्यरत है। यहाँ पर हम केवल मस्जिद और नमाज नहीं, बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों की धार्मिक पढ़ाई, दीनी पढ़ाई जो कंपलसरी है दीन में, धर्म में, उसकी पढ़ाई होती है। उसके साथ साथ हमने अभी एक स्कूल से टाई अप किया है कि उनको एकेडमिक स्कूल भी पढ़ाते हैं लोग, एंड हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से जो बच्चा निकलता है पढ़ के वो ऑलराउंडर हो जाए, केवल एक ही किताब लेके नहीं बैठे या एक ही धर्म लेके नहीं बैठे या एक ही काम, क्यों आगे जाके वो अपनी फ्यूचर में भी कुछ कर सके, ऐसे हम लोग उनकी कोशिश यानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग और एक भी काम है हमारे यहाँ, दारुल कज़ा जो होता है, यानी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली मैटर्स, मैरिज वगैरह के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसका भी हम लोग यानी पर्सनली उसका एक काजी रहता है, काजी उसका जस्टिफिकेशन करता है, और अगर वो फेल हो जाए तो फिर वो कोर्ट वोट जाए तो बात अलग है। पहले यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपस में अगर अच्छा सॉल्व हो जाए, अमिकेबली अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो कोर्ट में जाएंगे तो लाखों रुपये का खर्चा और फिर परेशानी अलग और बदनामी अलग, वो रहती है, लेकिन यहाँ वो बहुत अमिकेबल यानी एकदम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.